हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और द पॉसिबल लाइफ पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं बिना आपके नंबर दिए। तो आप बोलेंगे भाई ईमेल से तो होता नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? तो बस देखते रहिए, आपको आपकी कोई भी नंबर देना नहीं पड़ेगा और आप व्हाट्सएप यूज भी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल द पॉसिबल लाइफ चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे द पॉसिबल लाइफ साथ मार के यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है मैं वीकली 2 या 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। एक्चुअली पहले अपलोड नहीं करता था, मतलब कि आप देख सकते हैं ये एक मंथ पहले या फिर 2 महीने पहले ऐसे अपलोड हुआ था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक आ गया था। एक डर सा रहता था कि दूसरा स्ट्राइक आ गया तो क्या करें। तो अब जो है स्ट्राइक हट गया है, तो अभी मैं वीकली 1 या 2 वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नया नया जो है ट्रिक्स या फिर कोई भी ट्यूटोरियल आपको हिंदी में मिल जाएगी, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है प्रीमो ऐप, ये ऐप सर्च करना है। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा आपको, मतलब कि बड़ी आसानी से आप ये गूगल प्ले स्टोर में आकर डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक के जरिए। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं ये ओपन करता हूँ। ओके, तो ये ऐप को मैंने डाउनलोड करने के लिए क्यों कहा आपको, आपको एक बात बता देता हूँ कि ये ऐप जो है आपको रियल नंबर देता है। मतलब कि आप अगर जीमेल या फिर कोई भी रियल ईमेल आईडी, जैसे कि याहू या फिर दूसरा कोई टेम्पोरारी ईमेल आईडी नहीं चलेगा, रियल ईमेल आईडी अगर आप यहाँ पे दे के साइन अप करते हैं तो आपको जो है एक रियल नंबर मिलेगा, और वो रियल नंबर आप व्हाट्सएप में यूज करके आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप में कैसे साइन अप करें और कैसे नंबर पाएं और उस नंबर को आप व्हाट्सएप में से कैसे वेरीफाई करें। ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का आ जाता है, यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर नेम डालना पड़ेगा ताकि आप बाद में भी यूज कर सकें, और यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। बस ईमेल ओरिजिनल होना चाहिए और बाकी आप कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास जितने भी जीमेल आईडी हैं तो उतने भी ही आप क्रिएट कर सकते हैं, आपका रियल नंबर पा सकते हैं और उतने ही व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। और यहाँ पे जो है साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है, यहाँ पे कुछ आपको डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि आपको आपका नंबर टोटली देना ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप आप यहाँ पे डालिए ही मत। और इसके बाद और एक स्किप, उसके बाद अरे, तो ये जो है ऐप खुल गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेनू पे क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट साइड टॉप पे है, जो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड मोबाइल नंबर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे टैप करना होगा या फिर अपने आप चला जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, आपने जो ईमेल आईडी डाला था उस पर आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, वेरीफाई करने के लिए वो बोलेगा, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो है नंबर आ जाएगा, ये ऐप के द्वारा दिया गया हुआ नंबर, और उस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी आ गया है, आप देख सकते हैं द पॉसिबल लाइक जो ईमेल आईडी डाला था मैंने, जीमेल आईडी, तो यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, मतलब कि ये बस वेरीफाई करने के लिए कि ये जो ईमेल आईडी है ओरिजिनल है कि नहीं, इसलिए वो भेजते हैं ईमेल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। ओके, तो वो नेट स्लो था इसलिए नहीं हो रहा था, वेरीफाई नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये ईमेल आईडी, आप देख सकते हैं
योर ईमेल आईडी एड्रेस हैज बीन कंफर्म, मतलब कि मेरा जो है वेरीफाई हो चुका है। तो अब मैं जाता हूँ उस ऐप पे, प्रीमो ऐप पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ मेरा जो नंबर पाया हो या नहीं, मतलब मेरे को नंबर मिला है या नहीं देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही नंबर नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या होगा, बस रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करने के बाद आपका नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा, दो तीन मिनट बाद लगा शायद। तो यहाँ को आपको बस रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है नंबर मेरे को आ गया, और ये नंबर को मैं जो है व्हाट्सएप पर यूज कर सकता हूँ। तो एक ईमेल आईडी के जरिए मेरे को ये मिल गया, एक नंबर मिल गया। तो अगर आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडी हैं तो आप बहुत सारा नंबर पा सकते हैं, और बहुत सारा नंबर पा कर बहुत सारा व्हाट्सएप अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये नंबर जो मैं नोट कर लेता हूँ, और हाँ आपको ये यूएस का जो कंट्री कोड है आप डालना मत भूलिएगा, थोड़ा सवान जो है ये आपको डालना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, नंबर नोट कर लिया और मैं जाता हूँ व्हाट्सएप पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से 91 है जो कि इंडिया का नंबर है, यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का आ गया, और मेरे पास जो मिला है नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और वेरीफाई क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे ओके कीजिए, ये एक मैसेज आया कि इस नंबर पे मैसेज नहीं आ पा रहा है। और आपको करना क्या होगा, आपको बस यहाँ पे कॉल मी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक कॉल आएगा व्हाट्सएप वालों की तरफ से, और उस कॉल में से आपको वो कोड बताएंगे, वो कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। डालने के बाद आपका जो है नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्टिंग कॉल लिखा आ रहा है। वेट कीजिए, जब तक नहीं आ रहा कब, ये जियो का नेट लगा हुआ है तो शायद नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास दूसरा कोई नेट, मतलब आ गया बहुत स्लो है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आप कोड जो है नोट करूँगा, नोट करके वहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे ओके करता हूँ। Your verification code is 101657. मेरे को कोड मिल गया, ये वह है 101657 मिल गया। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, व्हाट्सएप पे डालता हूँ, और मेरा जो नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा 101, आप देख सकते हैं 657 हो गया। तो ये जो है हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, और ये जो है सेट करेगा कि पहले बैकअप है या नहीं आपके पास मोबाइल में। तो मैं यहाँ पे बस स्किप करता जा रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बस सेटअप करना है आपको, आपका प्रोफाइल फिलअप करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। ये हो गया मेरा, और ये नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है बिना आपका नंबर दिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कुछ हाई सर ऐसा कुछ नया आ गया, मेरे को पता नहीं।
यहाँ पे। पता नहीं ये कौन था एक्चुअली, मेरे को पता नहीं, एक लड़की का नंबर मैसेज आ गया था तो मैंने पूछा कि आप कौन है, तो शायद ये ब्लॉक करने वाली है, शायद ये नंबर जो है पहले किसका रहा होगा तो इसलिए वो भेज रही है कोई और समझ के। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपका नंबर दिए बिना आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपको अपनी नंबर देनी नहीं पड़ेगी, दूसरे किसी के नंबर से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रीमो पे आपका ईमेल आईडी डालते हैं तो आपका एक नया नंबर मिल जाएगा और उस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।